आज सुबह चंद्रपुर नागपुर मार्ग पर स्थित घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज सुबह चंद्रपुर नागपुर महामार्ग पूरी तरह कोहरे से ढका हुआ था, जिसकी वजह से इस मार्ग पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर इस मार्ग पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहन मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि इस कोहरे के कारण उन्हें रेंगना पड़ रहा है और एक के पीछे एक गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। चंद्रपुर से जाम यह तकरीबन 80 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह कोहरे से ढका हुआ था। स्थानीय वाहन चालकों ने में से कई ने पहली बार ऐसा अनुभव लिया और इस मार्ग के गांव भी मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोहरे की चादर लपेटे हुए हैं। एक ऐसे ही वाहन से CPL कमेटी के संजय तुमराम, वसीम शेख, बाबू दीक्षित, नाय सिद्दीकी तथा डॉक्टर किशोर भट्टाचार्य एवं अन्य आ रहे थे, तो सुनिए इस संबंध में उन्होंने अपना अनुभव क्या व्यक्त किया। नागपूर ते चंद्रपूर महामार्गावर हे जे धुकं आहे, असं धुकं याच्या अगोदर मी कधीच अनुभवलेलं नाही आहे। हे धुकं एवढं दाट होतं की 5 मीटरपर्यंतच्या वस्तू किंवा समोरचा रोड दिसणं अशक्यप्राय झालं होतं। आम्ही सर्व जे ड्रायव्हर्स होतो किंवा आमचे मित्र होते हा आपला जीव मुठीत घेऊन गाडी चालवत होती आणि यावेळेस चालकांना विशेषतः तारेवरची कसरत करावी लागली। असं धुकं याच्या अगोदर कधीच बघण्यात आलं नव्हतं। गाडीची जी स्पीड आहे ती 10 ते 20 किलोमीटर पर अवर या स्पीडने आम्हाला गाडी चालवावी लागली आणि आम्ही बऱ्याच प्रयत्नांनी बरंच मेहनतीनं आणि जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहोत। असा अनुभव याच्यापूर्वी आम्ही कधीच घेतला नाही। हा आमच्या आयुष्यातला असा पहिला असा प्रसंग आहे। नागपूर से चंद्रपूर की ओर मैं अभी निकला था हमारे सभी दोस्तों के साथ और मैंने फर्स्ट टाइम इतना घना कोहरा फर्स्ट टाइम देखा हूँ। 5 मीटर की दूरी तक भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही कभी थोड़ा सा डरावना भी है और बहुत ज़्यादा बहुत ही घना कोहरा यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सभी लोग। ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जैसे कि मैंने कहा कि 5 मीटर के आसपास तो फॉग लैंप लगाकर और इंडिकेटर्स लगा के, पार्किंग इंडिकेटर्स लगा के गाड़ी चलानी पड़ रही है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मैंने इस बार किया है।